स्टार्ट। तो सैमसंग का फोल्ड 4 अगर कोई भाई चला रहे हैं आजकल, तो सारी फोल्ड 5, फोल्ड 6, फोल्ड 4 सारी चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, अपना वीवो ओप्पो एम आई सारे फ़ोन देखो ट्रेंडिंग में है। तो महंगे महंगे फ़ोन उनके डिस्प्ले वगैरह टूट रही हैं आजकल, उनके कांच टूट रहे हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो भाई सारा सामान हमारे पास एक तो ओरिजिनल रेट पे मिलता है और बाकी हैंड टू हैंड करके देते हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसा फ़ोन है जिसकी आपको डिस्प्ले चाहिए या फेस आईडी ठीक करवानी हो या आपके आसपास ठीक ना रहो, तो भाई आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ये फ़ोन है मेरे पास फोल्ड 4, इस पर प्रॉब्लम देखो क्या है, सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर ना स्क्रैच है, बस स्क्रैच। तो भाई मैं इसका फ़ोन खोलूँगा, भाई का खोलने के बाद इसका ग्लास निकालूंगा, आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। पहली बात तो आप मेरे अकाउंट में नए हैं तो आप मेरे को सब्सक्राइब करो मेरे अकाउंट को और मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो करो। दूसरा आपको करना क्या है, पूरी वीडियो देखनी है शुरू से लेकर एंड तक, तभी समझ पाओगे हम करते क्या है और कैसे काम होता है, कैसे पैक होता है। तो चलो शुरू करते हैं फोल्ड 4 की फ्रंट ग्लास कैसे चेंज करते हैं। दूसरा आपको एक बार चेक करा दूँ, कहोगे भाई कि ठीक है देख लो, इस पर माइनर ना ये स्क्रैच है, इस पर फ़ोन के ऊपर दिख रहे होंगे आपको ये सारे स्क्रैच है, तो मैं बस फ्रंट ग्लास डालूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, पहले इसको गर्म कर लेते हैं हम। गर्म करने के बाद इसकी डिस्प्ले उतारेंगे, डिस्प्ले उतारने के बाद इसका ग्लास काटेंगे, बाकी आगे के बताऊँगा। स्टार्ट, गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद डिस्प्ले हमने ऐसे बाहर निकाल लेनी है, ठीक है, कोई भी उसी वाला पेपर ले लो आप, बाहर निकाल लो। भाई फ़ोन जो है ना, अगर आप सही बंदे से ठीक करवाओगे तो भाई जल्दी दिक्कत नहीं आती फ़ोन के अंदर, ठीक है। हमें क्या है इसका, बस हमने ना ये पूरा फ़ोन खोलेंगे ना हम कुछ करेंगे, बस ये ऊपर की डिस्प्ले हमने सिर्फ ना निकालनी है बाहर, यहाँ इसका पत्ता होता तो यहाँ पर आराम से निकालना पड़ेगा और ये डिस्प्ले को बाहर आ गई हमारी, ठीक है। करना क्या है, हमने जो पुरानी जो ये गई है सारी गम हम एकदम साफ कर लेंगे, इसको साफ करने के बाद हम उसको रख देंगे मशीन पर, मशीन रखने के बाद उसका गैस काट कर पंच कर देंगे। ये देखो छोटी सी वायर होती है, वायर के बाद में इसके करना, सिर्फ कांच कांच बाहर आ रहा है डिस्प्ले और एकदम बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डैने कट गया, ठीक है, काटने के बाद ये डिस्प्ले होती है, ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्ले है ना, इसके ऊपर अपना गिलास है ना कुछ, सिर्फ एक बात स्टार्ट। ये देखो ये आप कहोगे डिस्प्ले इधर कैसी और इधर कैसी, तो छोटे छोटे गम सा रह जाता है जो ग्लास के नीचे रहता है, इसको साफ कर लेंगे मशीन, इससे मशीन से, ठीक है, वो सारी साफ हो जाएगी। डिस्प्ले की गम साफ हो गई थोड़ा, भाई वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि गिलास टच क्या होती है, ठीक है, तो गिलास टच मतलब क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, कोई वो नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो तो आपने बहुत सारी देखी होंगी लेकिन ऐसे कोई नहीं बनाता पूरी पूरी वीडियो। ये केमिकल है 8001, किसी भाई को चाहिए तो बता देना, बहुत बढ़िया केमिकल है ये। इसको क्लीन कर लिया एकदम बढ़िया तरीके से, भाई ऐसे ही काम करते हैं देख लो भाई, ठीक है, बिल्कुल खुले में ओपन। कोई डाई का यूज नहीं, ये मशीन है पंचिंग मशीन, जिससे हमारी डिस्प्ले मतलब ये इसमें ना गम होती है गिलास के अंदर, अगर मैं यहाँ दबाऊंगा ना तो देखो चिपकना शुरू हो जाती है गिलास, तो इसको ना प्रॉपर अगर जो प्रेस करेगी ना वो ये मशीन सब कर सकती है प्रॉपर प्रेस, अगर हम हाथ से करेंगे तो थोड़े दिन बाद डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी, अगर प्रॉपर मशीन से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी भी बनाती है ना तो इन्हीं मशीनों से बनाती है।
जाके होगी देख लो मशीन, अब डिस्प्ले बाहर निकल गई बिल्कुल कड़क का ही करीब कड़क बन के डिस्प्ले बन के हमारी कड़क हो चुकी है एकदम चाय की तरह। बाकी चेक करा दूंगा आपको बिल्कुल, ना कोई देख लो ना कोई बबल ना कुछ ना कोई स्क्रैच, बंदा भी खुश हम भी खुश, जो बंदा चलाएगा उसको तो मज़ा ही आएगा चलाने में। छोटे मोटे बबल है थोड़ा, इसको ना क्लीन कर देते हैं बिल्कुल क्लीन, ये मशीन है बबल रिमूवर, इसमें डाल कर देते हैं क्लीन, इसको चालू कर देते हैं। तो भाई बस इतना ही टॉपिक है, इसके बाद गैसकेट लगाएंगे और इसको पैक कर देंगे पूरा, वो हम आपको अभी दिखाते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा इसको बबल होने दो उसके बाद दिखाते हैं। तो भाई वीडियो पूरा देखा करो, आपसे विनती है निवेदन है जो भी है, किसी बंदे ने काम सीखना तो वो मेरे पास आए, काम भी सीख सकता है। किसी को कोई भी पार्ट चाहिए फ़ोन का, जैसी मर्जी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आई वो भी कॉन्टैक्ट करें, बाकी भाई फॉलो कर लेना। बाकी दिखाता हूँ पूरा आपको पैक करके। तो भाई चेक कर लें एक बारी, डिस्प्ले मैंने बना दी है देख लो, फोल्ड फोर की थी, कोई निशान कोई कुछ नहीं, पैक कर दूंगा। ये भाई देखो सारे फ़ोन ठीक करवाने, कहाँ से आए हो आप? सागर, आप कहाँ से आए? दोस्त आप कहाँ से आए थे? मेरठ से अच्छा, वीडियो देख के आए थे सारे बंदे दूर दूर से आ रहे मेरे पास फ़ोन ठीक कराने। तो आपके पास भी कोई सा ही फ़ोन है, जेनुअन पार्ट चाहिए, लोकल पार्ट चाहिए या थर्ड क्लास पार्ट चाहिए, तो भाई मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करें। जेनुअन पार्ट की गारंटी है, लोकल पार्ट की कोई गारंटी नहीं है। बाकी दूसरा अगर आपका जेनुअन पार्ट टूट जाता है पानी के अंदर चला जाता है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बाकी चीट डालूंगा जेनुअन डालूंगा, अगर जेनुअन बोल के डाल दूँ तो भाई, अगर किसी को कोई भी फ़ोन ठीक करवाना तो भाई कॉन्टैक्ट करें, बाकी भाई फॉलो करें। फोल्ड फोर मैंने डिस्प्ले कंप्लीट कर दी है, बाकी फॉलो कर लें। ये बारी आपको डिस्प्ले चेक करा देता हूँ मैं, ये भाई की डिस्प्ले चेक करो, ये लो बिल्कुल एकदम मलाई, बिल्कुल मलाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, एकदम मलाई, टच ऑल वर्किंग बिल्कुल, एक एकम एक चल रही है वो टच। तो मेरी डिस्प्ले बन गई, फोन पूरा कंप्लीट हो गया, किसी को फोन ठीक करना तो बस जल्दी आ जाओ।